नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा और हार्दिक स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जो मैं अभी इस समय खड़ा हुआ हूँ ये है सरायकालिका का बस स्टैंड, जो कि ISBTC के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से अगर आप बालाजी के लिए जाना चाहते हैं तो मैं आपको सारी टाइमिंग, जो भी बसेस सुबह कितने बजे से और रात में कितने बजे तक जाती हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी के लिए यहाँ पर सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है, बल्कि 4:30 बजे से सुबह शुरू होती है, जिसका किराया जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और मैं खुद बता देता हूँ। यहाँ पर दो तरह का किराया है। पहला जो किराया है वो आपको मैं बता दूँ, पहला जो किराया होगा वो 311 रुपये है, जो कि आपको भरतपुर होकर के बस जो लेकर के जाती है वो 311 रुपये में लेके जाएगी पुरुष के लिए, और महिला के लिए इसमें जो है आपका 30 से 40 रुपये का डिस्काउंट है। अगर आप अलवर से जाते हैं तो आपका करीबन 284 रुपये लगता है और महिला के लिए 230 रुपये आपका टिकट का लगेगा। और अभी मैं चल के दिखाता हूँ वो काउंटर, जहाँ पर आप अगर जाते हैं टिकट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, काउंटर पर लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह का जो है वो काउंटर बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ABC करके बने हुए हैं। ये UP के लिए यहाँ पे बसेस हैं, और साथ में इधर लिखा हुआ है महुआ छतरपुर पन्ना के लिए, झांसी के लिए भी आपको यहाँ से मिलेगी बस, और तिजारा अलवर, ये जो है बस ये राजस्थान की है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है राजस्थान, और ये सामने आपने जो देखा है वो भरतपुर बालाजी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं बैठना होता है, यहाँ पर काउंटर पर पहले आपको टिकट लेनी होगी। और ये इधर देखिए लिखा है नगर खालिल बालाजी, इस तरह का जो है। ये सारी जो बसेस हैं ये आपकी ब्लू लाइन की बसेस हैं, और ये बालाजी के लिए यहाँ पर जाएंगी जितनी भी हैं, सबके सामने लिखा रहता है यहाँ पर बोर्ड पे अगर बालाजी जाएंगे तो। और अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ जहाँ पर काउंटर है। ये देखिए लिखा है 37 नंबर अलवर बालाजी दौसा, यहाँ से आपको जो है टिकट मिलेगी, और यहाँ पर आकर के काउंटर पे आपको टिकट लेनी है। इस तरह की महिला जो है बैठी हुई है, यहाँ पर आप आकर के इनसे टिकट ले सकते हैं। तो ये बस है, इस तरह की बस होती है। यहाँ पे जो है वो सारी जो है वो नॉन AC बस है, AC बस नहीं है, तो जो इनका किराया है वो साधारण सा किराया भी है, और 311 रुपये में आप जो है वो मेहंदीपुर बालाजी जा सकते हैं। इनकी जो टाइमिंग है मैं पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा कि कितने बजे से जो है वो सुबह मिलती हैं, और रात को 11 बजे की लास्ट इनकी है। तो अभी मैं आपको बस के अंदर लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ कि जो बस है वो कैसी है, और साथ ही साथ अगर आप जाते हैं तो कंफर्ट बस है कि नहीं, सीट आपकी कैसी है। ये जो सामने है ये बस, ये देखिए जाती है बालाजी के लिए जाएगी, और यहाँ से कई सारी बसें हैं जो जाएंगी अलवर होकर के। तो आपको हमेशा जो है वो काउंटर से ही टिकट लेनी, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस तरह की बस है, यहाँ पर आप जो है ऐसे करके बैठेंगे, और ये आपकी जो है सीट जो है 46-47, टोटल जो है वो 47 सीट है। यहाँ पर आप इस तरह की जो है ये 2 सीटर है, यानी कि 2 लोग बैठेंगे, यहाँ पर 3 लोग बैठेंगे, तो इस तरह की जो सीट है वो आपको अलाउट होती है। और इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी अगर यहाँ पर आते हैं तो सबसे ज़रूरी क्या है कि पहले आप काउंटर से टिकट ले लें, आप यहाँ आकर के बैठे ना, अन्यथा क्या होगा कि आपकी सीट किसी और को मिल जाएगी। काउंटर पे तो आपको सीट नंबर मिलेगा और अपनी सीट पर आप आकर के बैठ जाएं। तो ये है वीडियो उनके लिए जो दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहते हैं। तो सुबह 4:30 बजे से शुरू हो जाती है बस, और उसके बाद 11 बजे तक ही मिलेगी। मैं आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको 1 by 1 करके, आपको कितने कितने बजे से आपको बस मिलती है उनकी जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और 3 बजे से दोपहर में शुरू होती है, जो कि रात में 11 बजे तक जाती है। तो इन सब की जो डिटेल्स है वो मैं आपको 1 by 1 करके दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।